Okay, so let's start another example. It is a wonderful example. There is a one disc. ये जो बड़ी डिस्क आपको दिखाई देती है उसका मास 9 m है और रेडियस r है, और ये जो छोटी डिस्क दिखाई देती है उसकी रेडियस r by 2 है. इतनी डिस्क को इतना पोर्शन हम कट करेंगे तो हमें ऐसा पूछा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन मीन्स दिस वन, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो. क्या फाइंड करो? रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. देखो यहाँ पे ये जो बड़ी डिस्क है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है. तो देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई फुल डिस्क. ये जो फुल डिस्क है इसमें कौन कौन है? तो फुल डिस्क में है आई आर बाई टू भी है, प्लस आर रिमेनिंग पोर्शन. ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है? रिमेनिंग लिख सकते हो, कट लिख सकते हो, ठीक है. तो ये रिमेनिंग मुझे फाइंड करना है. ओके, सो रिमेनिंग इज इक्वल टू आई फुल माइनस आई आर बाई टू. इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो आई कट बोलो, रिमेनिंग बोलो, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू आई फुल माइनस आई आर बाई टू. इट मीन्स फुल डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से आर बाई टू डिस्क है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल जाएगी. ओके, सो नाउ लेट्स सी. इसको अभी मैं बॉक्स में पैक करके रख देता हूँ. आई फुल फाइंड करते हैं. आई फुल फॉर फुल डिस्क क्या मिलेगी मुझे? आई फुल इज इक्वल टू, डिस्क है तो हमारे पास फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर बाई टू, बट एम इज इक्वल टू 9m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. सो वॉट इज द आंसर? 9/2 एम आर स्क्वायर. ओके, तो इसका सॉल्यूशन मिल गया मुझे. ओके, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अभी मुझे क्या करना है? ये डिस्क के लिए मुझे फाइंड करना है कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका मास फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है. इन दिस एरिया मास इज इक्वल टू 9m. इन इट मीन्स इन पाई आर स्क्वायर मास इज इक्वल टू 9m. तो ये जो हमारा एरिया है वो कितना बनेगा? वो बनेगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर. पाई आर स्क्वायर, सॉरी, ये जो पोर्शन हम लोगों ने कट किया है वो आर बाई थ्री है. कितना है? आर बाई थ्री. तो पाई आर स्क्वायर बाई 9 उसका मास ब्लैंक. ओके, तो ये कैसे मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 9m इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 9 अपॉन पाई आर स्क्वायर. यहाँ से ये कट, यहाँ से ये कट, तो कितना मिला मास मुझे? m. तो इसका मास मुझे मिल गया m. इज इट क्लियर? ओके, और एक और चीज़ आप ध्यान से समझो. मैंने यहाँ पे क्रॉस का सिंबल किया है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है? तो ध्यान से समझना. तो आई कट इसमें कौन सा रूल लगेगा? तो देखो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा. क्या बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? तो ये बोलेगा आई सी प्लस एम आर, मीन्स ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? तो देखते हैं. चलो ये टोटल डिस्टेंस आर है, ये आर बाई थ्री है, तो ये डिस्टेंस 2r/3 रहेगा. कितना रहेगा? 2r/3. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2r/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी. तो इसका आई सी कितना मिलेगा? सेम एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन इसकी रेडियस है r/3, तो r² / 9 प्लस एम 4r² / 9. सो व्हाट इज द आंसर? देखते हैं. चलो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 18, 4mr² / 9. एलसीएम ले लेंगे, 9 2 जा, तो 8 + 1 9mr² / 18. अवर आंसर इज mr² / 2. तो ये जो कट वाला पोर्शन था उसका भी मुझे आंसर मिल गया, ठीक है. तो ये आई कट भी मिल गया. मुझे फाइंड करना है आई आर बाई टू मिला हमें. आई आर बाई टू ये रेडियस था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया.
अभी आई कट फाइंड करना है, तो आई कट इज इक्वल टू वॉट? आई कट इज इक्वल टू आई फुल, फुल कितना मिला, फुल 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 ये रहा 9 by 2 mr square माइनस mr square by 2. सो वॉट इज द आंसर? 9 minus 1 8 by 2 4 mr square. दिस वन इज अवर आंसर. इट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई 2005. सो प्लीज नोट इट डाउन. ओके.